इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा ऐसा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती है कि डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, दवाई लाओ और उस दवाई को, उस औषधि को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर खाओ, जिससे एक बार खा ली जाए तो दूसरी बार जरूरत नहीं पड़े और शरीर ठीक हो जाए। शरीर दवा के साथ में दुआ की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए एक लोटा जल शिवजी को रोज चढ़ाओ, थोड़ा सा आचमन करने के लिए लेकर आओ, बेलपत्री चढ़ाओ। कभी कभी अगर हमारे शरीर में ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा बीमारी आ रही है, ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाला जो पत्ता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको, जैसे जल इधर बहता है तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री का पत्ता इस तरह से रखकर कलश में जो जल है वो जल उस बीच वाले पत्ते पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपने शरीर में अगर ज्यादा कष्ट है, घुटने में अगर डॉक्टर बोल रहा है कि घुटना बदलना पड़ेगा या कोई गैप आ गया है हड्डी में तो शरीर में ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, या गुड़िया खसक गया है तो उसके लिए डॉक्टर की दवाई तो जरूर खाओ। साथ में बीच वाली जो पत्ती है जो आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी है, वहां सात बार भगवान शंकर के नाम से, कुंदकेश्वर के नाम से जल चढ़ाओ। फिर थोड़ा सा जल बचा हुआ तीन बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। उसी पानी में से थोड़ा सा आचमन जितना पानी कलश में लेकर आ जाओ या कटोरी में लेकर आ जाओ, उसको दिन भर में तीन बार पीना प्रारंभ करो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर 15 दिन बाद जांच कराओ, बाबा चाहेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तत्व को जाओ।